Now I'm just going to take a start. <coughs> as alaikum to everybody who's gonna to listen to me right now. And uh, as well as Miss Anira has introduced me that it's Hadika Islam. So i introduction. introduce you <coughs> So uh, uh, it's hadika Islam definitely G. and uh, I have been uh, taking a participation from the different way and uh, I just want to make you clear about the different things firstly like um, my introduction is what I have been done my graduation from the uh, British international council is not but actually in English literature in linguistics too and second thing is that I am certified from the British international council as a ESL and also you know, ESL means as the spoken English as well and uh, the most important thing is that I have been remained the topper English debater of all over the Punjab from the previous years and I'm working in the as a socialist in a different platform uh, working with the national organization and the international organization too. Uh, the most important thing is that I have been teaching uh, language sessions or IELTS sessions uh, from the previous uh, five to six years. so this was just a quiet introduction of mine now without wasting the time I'm just moving towards the demonstration of the day what exactly the demo is and what is spoken English so I just want to make it clear that how many are guessing that language may interested in him. और एक्चुअल में लर्निंग बी लर्निंग के प्लेटफॉर्म से हम आपको किस तरह की चीजें प्रोवाइड कर रहे शेयर माय स्क्रीन एंड आई एम जस्ट ओपनिंग द डेमोन्स्ट्रेशन लेक्चर सो लठमी प्लेट okay so it's the esl session or the spoken english session presented by learning with learning and uh, this class is actually the demonstration class that we guys are going to take a start and uh, next move towards to a next slide of uh, the most frequent global language of this universe let me explain that q is it the most global language kahajara All, ये नेटिव जितने भी होते हैं वो एटी टू फोर फिफ्टी मिलियन लोग ऐसे हैं जो इस दुनिया में इस लैंग्वेज को एज ए नेटिव यूज कर रहे हैं लेट मी एक्सप्लेन वट इज नेटिव बहुत सारे लोगों को इस कॉन्सेप्ट का नहीं पता होता कि नेटिव कैसे कैसे हैं। नेटिव कहते हैं बेसिकली Uh, ऐसे लोगों को जिनकी मादरी जबान यानी कि मदर टंग जो है वही जबान हो जो कि बोली जा रही है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं अंग्रेजों की बात कर रही हूँ तमाम अंग्रेजों को मैं यहाँ पर नेटिव कह रही हूँ कि दुनिया भर में थ्री एटी टू फोर फिफ्टी मिलियन लोग अंग्रेज मौजूद हैं जिनकी मदर टंग नेटिव मतलब इंग्लिश है और वही नेटिव स्पीकर कहलाते हैं फॉर एग्जाम्पल हम भी नेटिव स्पीकर हैं हम नेटिव स्पीकर्स किस लैंग्वेज के है? हमारी अपनी लैंग्वेज है फॉर एग्जाम्पल आप में से बहुत सारे लोग पंजाबी होंगे आप में से बहुत सारे लोग सराई के होंगे तो आप सब अपनी अपनी जबान के नेटिव है जो जबान हम पैदा होते ही अपने इन्वॉर्मेंट से मतलब नेचुरली सीखते हैं उसको हम नेटिव स्पीकर कहते हैं चाहे वो किसी का भी हो लेकिन एक्चुअल में क्योंकि हमारी रीजनल लैंग्वेजेस होती है वो हर ट्वेंटी किलोमीटर के बाद जो है वो चेंज हो रही होती है आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी मदर टंग सराई की होती है बट अगर दस पंद्रह किलोमीटर आगे जाएंगे या पच्चीस तीस किलोमीटर आगे जाए तो वही लोग सराई के होते हैं मगर वो एक्यूरेट वर्ड वो नहीं

तो फिर द क्वेश्चन इज दैट कि एलवन क्या होगी एलवन होती है वो जबान जो कि आपकी मादरी जबान है ठीक है क्योंकि हम यहाँ पर स्पीकर्स कंसीडर स्पीकर जाते हैं हमारे पाकिस्तान की लैंग्वेज कौन सी है जी उर्दू है तो जितने भी साउथ के लोग हैं यानी कि चाहे वो इंडियन आ जाए चाहे पाकिस्तानी आ जाए या कोई भी दूसरी लैंग्वेज का बंदा आ जाए जिनकी अपनी लैंग्वेज कुछ हो रहा है मगर वो टारगेट किसी और लैंग्वेज को कर रहे हैं तो वो कहलाते हैं जैसे कि मैं और आप हम दोनों अल्टू स्पीकर लैंग्वेज दैट इज उर्दू बट वी आर जस्ट ट्राइंग टू टारगेट द द टारगेट लैंग्वेज टारगेटेड वे दैट इज टू लर्न द स्पोकन इंग्लिश थ्रो दूसरे

अगर मैं कहूँ की सराईकी जबान या पंजाबी जबान एक ऐसी जबान है जिसे मैं कहूँ जी ये फॉरन लैंग्वेज है क्या ऐसा पॉसिबल है आप अगर यहाँ से पाकिस्तान से क्या लाइक पाकिस्तान में ही मैं कहीं और क्यों जाऊँ बाहर क्यों जाए हम अगर पंजाबी उठ के पश्तो यानी कि पिशावर वाले एरिया में चला जाए तो वहां पर उन लोगों को तो पछतो समझ आएगी उनको तो नहीं समझ आएगी आपकी लैंग्वेज तो इट मीन्स फॉरन क्या ये तो आपकी कंट्री की भी लैंग्वेज नहीं है तो फॉरन लैंग्वेज वो होती है जो दुनिया भर में जो है उसको एक्सेप्ट किया जा रहा हो और लोग उसके बोलने वाले बहुत ज्यादा हों well moving towards to my next slide is what it's a word best tip to all those who are working for their spoken english simply think is that agar aap chahte hain na ki aapki speaking improve ho stop writing please i request to all of you please stop writing start speaking this is the only tip This is the only tip that is working on your speaking part. बहुत सारे लोग हमें कहते हैं जी हमें ना ग्रामर नहीं आती हमें जुमले बनाने नहीं आते हमसे ये काम नहीं हो रहा इसलिए हमारी spoken English नहीं है ऐसा कुछ नहीं होता आपकी स्पोकन इंग्लिश इस वजह से वीक नहीं होती क्या आप में से बहुत सारे लोगों को ग्रामर नहीं आती ऐसे किसने कहा आपको कि ग्रामर बहुत जरूरी है स्पोकन इंग्लिश करने के लिए लेट मी एक्सप्लेन दैट मैं प्रूव भी करूंगी अभी आगे तो फिलहाल एक टिप दे रही हूँ जी आप सबको इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू स्पीक देन स्टार्ट स्पीकिंग अगर बोलना सीखना है तो बोलना बोलने से आता है चुप करके लिखने से बोलना नहीं आता अगर आप बोलेंगे नहीं तो आपको बोलना कभी भी नहीं आएगा सो आई एम जस्ट मूविंग टू वर्ड्स टू माई नेक्स्ट स्लाइड Reasons to learn English. We all are running to this language.

की तरफ जा रहे हैं आप किसी भी फील्ड में मूव कर रहे हैं अगर आपकी विकैबलरी नहीं है ना लैंग्वेज की इंग्लिश लैंग्वेज की तो आप जीरो हैं विकैबलरी हमारे लिए बहुत जरूरी है सेकंड थिंग इज स्पीकिंग पार्ट चलें टेस्ट क्लियर कर लिया मान गए क्या इंटरव्यू के बिना आप लोगों को पास आउट किया जाता है आप अपने रीजनल लैंग्वेज में अपना इंटरव्यू दे सकते हैं इम्पोसिबल टू डू दैट ऑफ ऑल प्राइवेट तो दूर की बात गवर्नमेंट में तो आपको इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता ना अब तो प्राइवेट वाले लोग भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते अगर आप प्राइवेट इधारों में जाकर उनसे उर्दू में इंटरव्यू देते हैं दे विल किक यू सीरियसली विदाउट टेकिंग ए सिंगल मिनट आराम से वो आपको किकआउट कर देंगे जी आपको लैंग्वेज नहीं आती तो इसलिए आपकी स्पीकिंग बहुत जरूरी है दूसरी बात ये वॉचिंग एक ऐसा सेंस है जिसके थ्रू आप बड़ा कीनली ऑब्जर्वर बनते हैं बहुत जल्द जल्दी जल्दी चीजों को जो है वो समझने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट थिंग इज अबाउट ईडियम्स इडियोमैटिक वे ऑफ एक्सप्रेशन शुरू से ही एक बड़ा ही पसंदीदा जो है वो लोगों का रहा है क्योंकि इससे ना आपका प्लाजरिज्म से फ्री आपको मटेरियल मिल जाता है कि बहुत सारे आ, लोग ऐसे होते हैं जो इससे बिल्कुल भी वाकिफ ही नहीं तो उन्हें नहीं पता होता हमें वे ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ यूज करना है तो ऐसे सिचुएशन में हमें एडियम्स पे काम करना होता है थोड़ा सा उनको हम अगर देख लें तो हम बहुत सारी लैंग्वेज से रिलेटेड लाइक स्पोकन में भी और रिटन में भी अपने एक्सप्रेशन को बेहतर बना सकते हैं देन इज अ रीडिंग एंड प्रोनाउंसिएशन देखें आपके सामने आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो लिख लेते होंगे बहुत आराम से लिख लेते होंगे तो वही चीजें उनसे पढ़वाएं वो यकीन करें उसकी जो रीडिंग करते हैं उसकी प्रोनाउंसिएशन की इतनी बुरी तरीके से टांगे तोड़ते हैं कि आपको खुद हैरान की होती है कि ये इतना अच्छा राइटर कैसे है तो आपकी रीडिंग और आपकी प्रोनाउंसिएशन का एकट होना बहुत जरूरी है अगर आप इंग्लिश को ऊपर ग्रिप लेना चाह रहे हैं तो और राइटिंग एंड ग्रामर डेफिनेटली ये दोनों चीजों से इंटरलिंग है अगर आप राइटिंग करना चाहते हैं और आपकी ग्रामर बहुत पुअर है तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं कि आप एक अच्छे राइटर बन सकें सो द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द नेचुरल वे ये मैंने सारी रीजंस बता दी आपको कि इंग्लिश को पढ़ा क्यों जा रहा है और क्या क्या चीजें हैं जिस चीजों को गेन करने के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं लास्ट थिंग नोट लास्ट बट डेफिनेटली पार्ट ऑफ दैट दिस इज वॉट नेचुरल वे टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज मैं आपको एक ना बड़ा देसी तरीका बताती हूँ लैंग्वेज को पढ़ने का जैसा कि अभी मैं पीछे आपको कह रही थी कि जनाब अगर आप बोलना चाहते हैं मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखे हैं जी मैडम हमें स्पोकन इंग्लिश सीखनी है बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू वर्क ऑन मुझे सारी ग्रामर भी आती है आई हैव डन ऑल द वर्क ऑन द ग्रामर एंड आई नो ऑल द सेज बट व्हेन आई स्टार्ट स्पीकिंग आई फील हेजिटेशन इफ यू आर थिंकिंग दैट दिस इज द वे देन व्हाई यू आर फीलिंग हेजिटेशन लेट मी नो ना People didn't give me an answer. फिर उनको याद आता है की जनाब मेरे साथ बोलने वाला कोई नहीं है तो भाई पहले याद आता आपको आपके साथ बोलने वाला कोई नहीं है वाई यूड यूर टाइम ऑन राइटिंग एंड लर्निंग द्राम माइंड मैं ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर कर दूं आपकी लिसनिंग एक वाहिद स्किल है जिसका प्रॉपर इंटरलिंक होता है आपकी आपकी स्पीकिंग से अगर आप एक एक राइटर बनना चाहते हैं तो अपनी रीडिंग ये दोनों दूसरे के साथ इंटरलिंक है आपके दिमाग में जब तक तो नहीं होगा ना कि आपने लिखना किया अगर आपके दिमाग में बहुत सारी नॉलेज नहीं होगी यू आर अनेबल टू राइट रीडिंग और राइटिंग ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होती हैं जी और लिसनिंग और स्पीकिंग ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होती हैं ठीक है थीके? हाँ ये चारों स्किल्स बना, बना ले अगर आपको ये चारों पे ग्रिप है तो

जस्ट डू द प्रैक्टिस हाँ आप कोई मिस्टेक्स कर रहे होंगे तो सामने वाला बंदा आपको जब बताता है तो यहाँ पर मैं आपको यह आप uh, यहाँ पर किसी की मदर टंगी की मादरी जबान इंग्लिश होगी ओ आई एम सॉरी हम तो पाकिस्तानी इंग्लिश नहीं हो सकती हमारी किसी की पंजाबी होगी जी किसी की सरायकी होगी किसी की पश्तो होगी कोई पठानी बोलता होगा किसी की मदर टंग मेरी तरह उर्दू ही होगी तो मैं इस तमाम कॉन्सेप्ट को क्लियर करती हूँ आज क्या आप में से किसी ने भी पंजाबी सराइकी हिंद को आ, उर्दू या फिर आ जाए आप पश्तो, पठानी क्या इन सारी लैंग्वेजेस की कभी कोई लैंग्वेज क्लास लिया थिंक अबाउट इट क्या आपको इन जबानों की ग्रामर आती है थिंक अबाउट इट क्या आप इस लैंग्वेज को नहीं बोल सकते थिंक अबाउट इट आप ये सब करते हैं ना आपको इसकी ग्रामर आती है किसी भी जबान की ना ही आपने इसकी कभी कोई लैंग्वेज क्लास ली होगी अबाउट इट sure वैसे पढ़ी होगी सब्जेक्ट के तौर पे जरूर पढ़ा होगा लेकिन कभी लैंग्वेज क्लास नहीं सीखने क्योंकि आए जी आज हम पश्तो सीखने जा रहे हैं पश्तो की स्पेसिफिक लैंग्वेज क्लास हो रही है और सारे के सारे भागे हुए जा रहे हैं पश्तों सीखने इम्पॉसिबल और ना ही आप में से कोई ऐसा होगा जो इस लैंग्वेज को बोलते हुए हेजिटेट फील करता होगा तो फिर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमागों में किसने डाल दिया कि जनाब स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको ग्रामर ही पढ़नी है या फिर आपने लिख लिख के पढ़ना है क्या आपको लिखनी आती है अपनी हिंद को ये तमाम आप लिख सकते हैं कभी पेपर अटेम्प्ट किए इनके बैठ के के नहीं तब तो इंग्लिश इंग्लिश आ जाती है बीच में फिर इंग्लिश के मामले में फिर मामले हम इतने ज्यादा कॉन्शियस क्यों हो जाते हैं क्योंकि और वो जबान आपने सीखी कैसे है वो जबान भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ वो आपने अपने घर से अपने इन्वॉर्मेंट से सीखी है यहाँ पे अब मैं इसी ग्राफ को बिल्कुल प्रोपरली इलाबोरेट करूंगी कि देखिए आप अपनी एग्जांपल अभी छोड़ दें आपके घर में तो बच्चे होंगे डेफिनेटली कोई ना कोई किसी बहन के भाई के या फिर वैसे ही घर में कोई छोटे बच्चे होंगे आप उनसे बात करते हैं फॉर uh, एग्जाम्पल अभी एक बेबी पैदा हुआ और तकरीबन जो है वो पैदा होते ऐसा तो नहीं हो सकता ना वो पैदा हुआ और वो पैदा होते हेलो मदर अड़ी अम्मी जी लाइक दस कैसा पॉसिबल है इम्पॉसिबल बच्चा ऐसे कैसे बोल सकता है तकरीबन अगले दो साल तक वो बच्चा चुप करके आप लोगों की बातें सुनता है चुपचाप या तो वो रोता रहेगा रहे 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 क्या हम ना बड़े होते हैं। हम करते क्या? रोड़ा, ओहो, देखो, देखो देखो बेबी को भूख लगी है पानी लाओ इसके लिए खाना लाओ इसके लिए ओह इस तरह अपनी अम्मा के पास जाने चलो चलो इसके उसके उस बच्चे को मुझे एक बात बताओ उसे क्या पता रोटी पानी क्या होता ये चीजें हम उस बच्चे के दिमाग में डालते हैं खुद ये हमारी अपनी साइकी है ये हम तमाम चीजें उसको खुद सिखाते हैं कि सोना क्या होता है उठना क्या होता है खाना क्या होता है पीना क्या होता है ये हम उसको लिसनिंग दे रहे होते हैं बैक एंड पे कि बेटा ये तमाम चीजें होती हैं एक्चुअल में में आ रहे हो ना दुनिया दिस इज ओनली थिंग टू सर्वाइव फॉर है दो साल का बच्चा है ढाई साल का बच्चे की जगह हम एग्जाम्पल देते हैं ढाई साल तक वो मुसलसल आपकी बातें सुन रहा है रोज कहानियां और स्पेशली हमारी अम्मा होती है ना वो ओहो देखो देखो मेरे प्यारे बेटे को भूख लगी है देखो ये कितना रो रहा है लाइक दिस दिसन दैट ना आप ने तमाम चीजें देखी होंगी अपनी अपनी फैमिलीज में हर कोई अपनी अपनी जबान में बोलता होगा मुझे पंजाबी से कि मैं आपको जरूर बोल के बताती हूँ तो एक एक्सप्लेन कर सकती हूँ उनको तो जनाब फॉर एग्जाम्पल मैं एक बच्चे से बात कर रही हूँ ढाई साल से लेके तीन साल तक का बच्चा ये बीच के जो छः मंथ का सिनेरियो है छह महीने में मैं करके कर आ रही मुसलसल उस बच्चे को कह रही हूँ बेबी डू यू नो आई एम योर सिस्टर बेबी डू यू नो आई एम योर सिस्टर छह महीने तक मैंने उसे एक ही कहानी सुनाई आई एम योर सिस्टर 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 रोज उसको यही कहानी सुनाती है रोज समझे ना दो का पहाड़ा जैसे हम पढ़ते हैं वो वो कहानी चल रही है अब वो मुसलसल सुन रहा है कि यार अच्छा सिस्टर 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 मुसलसल वो ये बात सुन रहा है

कहा था इसको याद रखना लिया ये होती है परसेप्शन अब उस बच्चे को नहीं पता आपकी क्या होता है उस बच्चे को नहीं पता सिस्टर क्या होता है उस बच्चे को कुछ भी नहीं पता मगर मैं फिर उसको रोज का, का कलमा सुना रही हूँ बेबी आई एम योर सिस्टर बेबी आई एम योर सिस्टर बेबी आई एम योर सिस्टर तो आप ये देखें कि वो परसीव कर रहा है कहीं ना कहीं ना चीजों को समझ रहा है अनकॉन्शियसली समझ रहा है कि यार ये ये जो शक्ल की बंदी है ना इसका शायद नाम इस ही सिस्टर है या इसको देखते क्या सिस्टर है अच्छा यहाँ पे हो रही है क्या उसकी परसेप्शन प्रॉपर हो गई है चले छह महीने तक उसे ये पहाड़ा सुनाने के बाद सडनली मैं एक दिन यूनिवर्सिटी या कहीं भी किसी काम से चली गई जब मैं वापस आई हूँ तो उसने मेरी शक्ल का जरा अंडरस्टैंड अगले आरों की तरफ मूव कीजिए नीचे देखिए जरा सब अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग मीन्स उसकी समझने की सलाहियत जो है अब वो वर्किंग कर रही है अब वो क्या करेगा मेरी शक्ल को देख के पहचानने की कोशिश करेगा यार ये सुबह से बंदी गायब थी वही पहाड़ा सिस्टर, सिस्टर अब वो, वहां क्या करेगा? वो, student, वो, sorry, वो उसको बोलने की कोशिश करेगा मतलब मेरी शक्ल देखते ही एक बच्चों के चेहरों पे होती है और वो कहते हैं जी अब मैंने कहा स्पीकिंग करेगा मैंने ये नहीं करेक्ट स्पीकिंग करेगा की कुछ ऐसा कुछ बोल दे या हो सकता है मुझे टर 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 ऐसा कुछ भी बोल दे मैंने कहा स्पीकिंग करेगा सिर्फ मैंने ये कहा मैंने ये नहीं कहा कि बच्चा आप उसे पढ़ा रहे हैं वो तो देखें जी एक मिनट में आपको ऐसा तो नहीं होता कभी भी तो आप ये क्यों समझते हैं कि मैंने आज लैंग्वेज पढ़ी और मुझे सुबह आ जाएगी ये कोई ख्वाब थोड़ी जो अब देखा सुबह सच हो जाएगा ऐसा नहीं होता इट डिमांड्स द प्रैक्टिस ऑफ द वर्ड अब यहाँ पर वो बच्चा क्या करता है जी वो बोलता है टर या वो बोलता है सिस जैसे आपने देखा होगा बच्चा बोलता है माम मुझे माम चाहिए अम्माएं हमारी समझ जाती है बच्चे को पानी चाहिए वो उसे क्लियर करती है बेटा इट्स वाटर इट्स पानी नॉट माम मैं कहूंगी बेटा इट्स नॉट टार इट्स सिस्टर यहाँ क्या है जी उसकी एरर जो आ रही है स्पीकिंग में मैं उसको ट्रेनर वहां पे हम लोग ट्रेनर होते हैं ना बच्चों के माए भाई, बहन भाई बड़े घर के जितने भी बड़े होते हैं वो बच्चे की तमाम एक्यूरेसी कर रहे होते हैं लैंग्वेज में इस लफ्ज को ऐसे नहीं ऐसे बोलते अभी भी इस स्टेज पे भी आप लोग कोई लफ्ज गलत बोल रहे होते होंगे तो आपके घर के बड़े आपको समझा रहे होते होंगे कि बेटा रीजनल ले, लैंग्वेजेस में ना आपकी नहीं, ऐसे नहीं ऐसे लफ्ज होता है तो यहाँ पर उस ट्रेनर का काम है आपकी करेक्शन करना और ये देखिए करेक्शन कैसे हुई क्या मैंने आपको लिख के बताया जब मैंने उस बच्चे को समझाया कि बेटा सिस्टर सिस्टर है तो क्या मैंने उसको लिख के बताया था कि जी स्पेलिंग है जी इसको ऐसे लिखते हैं तीन साल के बच्चे को क्या पता क्या वो बड़ा हो होकर वो जबान नहीं बोलता तो सारी की सारी कहानियां आपके लिसनिंग और स्पीकिंग की होती है हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ फेयर होता है मिस्टेक्स का इस फेयर को रिमूव करें काइंडली अपने अंदर से और जब तक ये फेयर आपका रिमूव नहीं होगा यू कुडेंट बी वर्क फॉर दिस एंड आई होप सो ये कॉन्सेप्ट आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो और कहानी फिर से घूम के देखने आप लिसनिंग पे आ गई है कि हमने लिस्निंग से शुरू किया और लिस्निंग पे ही एंड अप करते हैं So, uh, this is your next slide, जी कोर्स आउटलाइन वीक बाय वीक डे बाय एक महीने का सेशन है हर दिन क्या क्या पढ़ाया जाएगा हर एक एक दिन का प्री प्लान स्ट्रक्चर एलडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म से आपके लिए ऑलरेडी मौजूद है तमाम चीजें आपके सामने है. इसको मैं बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करूंगी सिर्फ और सिर्फ कोर्स आउटलाइन uh, दिखाने का पर्पज आप लोगों की ऑनलाइन काम करते हुए तो किसी को भी अगर कोई uh, किसी किसम के मैडम कोर्स आउटलाइन बताइए डेमो इतना जबरदस्त दे दिया इस गारंटी मेरी तरफ से बट दैट के इफ यू आर ओबेइंग सो द नेक्स्ट थिंग इज जी आप इस लैंग्वेज को अगर सीख जाते हैं इसकी इम्पोर्टेंस क्या है आजकल की दुनिया में तो ये मैं बहुत जल्दी से एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत लिमिटेड सा है आप अपने कैरियर को बूस्ट कर सकते हैं आप अपने मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं मुझे एक अच्छी जॉब मिले आप चाह रहे हैं आप अपने बिजनेस कम्युनिकेशन को बेहतर करें देखें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बहुत कम लोगों के दरमियान जब वो होते हैं ना अपने जानने वाले लोग उनके साथ वो बड़ा रिलैक्स फील करते हैं दो चार बंदे कोई नए उनके साथ बैठा दे उस वक्त ही थोड़ा सा ना हेजिटेट होना शुरू हो जाता है वो फ्री हैंड नहीं होते आप फ्री हैंड टू स्पीकर बन जाएंगे आपको किसी से डर नहीं लगेगा फिर चाहे कि अब देखिये मेरे बैकेंड को इस वक्त मुझे नहीं पता कितने लोग मुझे सुन रहे हैं लेकिन आई एम जस्ट स्पीकिंग आई डोंट ऑफ एनी पीपल तो ये चीज़ आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए कि आपको सामने वाले बंदों से मसला ना आपको अगर इंप्रूवमेंट करनी है तो आपने अपने खुद की करनी है लोगों की नहीं करनी नेक्स्ट थिंग इज सर्व टू द इंटरनेट जितने लोग फ्री लांसिंग कॉन्टेंट प्लाटिंग इन तमाम चीजों की तरफ मूव ऑन करने लगे हैं तो डेफिनेटली दिस कोर्स इज बेनिफिशियल फॉर एज वेल आपकी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट भी होगी जी इससे क्योंकि डेफिनेटली आपको इंटरव्यूज पे जाना है इंग्लिश बोलना होगा चाहे आप एजुकेशन की फील्ड से हो पाकिस्तान में या बाहर हमारी आजकल की बेसिक नीड है ना क्योंकि हमने जॉब डिस्क्रिप्शन लिख रही है कुछ भी वेल दिस इज द प्रॉपर सेशन इंफॉर्मेशन आपके 24 सेशंस होंगे जी टोटल 12 आपके लाइव सेशन होंगे और बारह आपके ऑफलाइन सेशन होंगे आप तमाम इन स्टूडेंट्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाएगा जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ कि हमें आपकी राइटिंग पे नहीं हमें आपकी स्पीकिंग पे काम करना है पहला रूल तो ये आप तमाम लोगों को वहां पर रोज का एक घंटा यानी कि फोर्टी मिनट जो है वो बाउंड कर दिया जाएगा उस व्हाट्सएप ग्रुप में जहां पर आप तमाम लोगों ने आपकी मर्जी से वो टाइम चूज किया जाएगा वहां पर आप तमाम लोगों ने वॉइस नोट के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेशन करनी है और आप सब बाउंडेड होंगे वहां पर इंग्लिश बोलने के मैंने कहा इंग्लिश बोलने के सही इंग्लिश बोलने का मैंने नहीं कहा आप सब के सब वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे रोज का एक घंटा वो भी उस दिन जिस दिन आपका ऑनलाइन सेशन नहीं होगा तो 12 सेशन आपके ऑनलाइन होंगे जिसमें इसी तरह से लेक्चर आप लोगों को दिया जाएगा और 12 सेशन आपके ऑफलाइन होंगे थ्री डेज इन अ वीक डेफिनेटली तीन दिन ऑनलाइन और तीन दिन ऑफलाइन टोटल सेशन जो है वो ड्यूरेशन का ड्यूरेशन uh, जो है वो हमारे इस क्लास का 40 मिनट्स होगा गया एक महीने का सेशन है टोटल चार्जेस है मुझे हैं नहीं लगता है कि आप फिजिकल क्लासेस में भी कभी इतना अच्छा जो है वो uh, आप मैं कह सकती हूँ मटीरियल देख पाएंगे सो द चॉइस इज यूर फिर भी बट आई मेक यू बाउंड कि इफ यू सीरियसली अ अलम स्पोकन इंग्लिश सो मस्ट जॉइन एल डब्ल्यू एंड इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू Future. so thank you so much uh, to all who are going to listen me and thank you so much for your valuable time yes miss anila it's your turn

लेक्चर्स में जो जो मसले मसाला आएंगे उन्हें शॉर्ट आउट कराया जाएगा मेंटोर की सपोर्ट आप लोगों को दी जाएगी और आफ्टर ट्रेनिंग आप लोगों को पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड प्लान नाइन की तरफ से सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा स्टूडेंट्स अगर आप इस कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं तो जहां से आज के डेमोस्ट्रेशन का आपने लिंक लिया है वहीं पे कांटेक्ट करेंगे वो आपको इनरोलमेंट के अबाउट गाइड करेंगे कि कैसे आप इस कोर्स में इनरोल हो सकते हैं मैं आप लोगों को बताती चलूं बताते नवंबर से यानी से यानी कि कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है और मैं अगेन फीस के अबाउट बताती चलू फिफ्टीन हंड्रेड पर कोर्स फीस है मिलते हैं पेड सेशन में अपना ढेरों सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफि